हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल रेसिपी, वो है एग रोस्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए एग, मैंने लिया है और इसे बॉईल कर रही हूँ अभी। उसके बाद प्याज हमें चाहिए 1 किलो प्याज, उसे मैं छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट कर ले रही हूँ। तो ये जो रेसिपी बना रही है मेरे जो दीदी की जो बेटा है वो बना रहा है, तो उसका स्पेशल रेसिपी है ये। तो ये बैचलर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो फटाफट से बन जाते हैं, तो सबके लिए अच्छा है, स्पेशली बैचलर्स के लिए, वो फटाफट से काम करके आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो प्याज को इस तरह सा हल्का छोटे छोटे पीस में काट लीजिएगा इस तरह लंबा से। तो देखिए, तो यहाँ पर आज मेरी दीदी की बेटा और मेरी जो हस्बैंड है वो भी आज प्याज काटने के लिए यहाँ पर खड़ा है। तो 1 किलो प्याज है ना, तो काटने में टाइम लगता है, तो वो भी तो एक साथ मिलकर सब प्याज को काट रहे हैं। तो सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो इस डिनर के लिए स्पेशल एग करी बना रहे हैं। तो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो मेरी दीदी के जो बेटा है उनके फ्रेंड्स सब आए हुए हैं घर पर, तो उनके लिए स्पेशल एक रेसिपी वो बना रहा है एग रोस्ट। तो हमने अभी अदरक और लहसुन को हमने कूट कर रख दिया है, और हमें चाहिए एक कढ़ाई, मैंने गैस पर रख दिया है, उस पर राई ऐड किया है, और राइस भी देखिए साइड पर वो भी बन चुका है। तो यहाँ पर अभी हमने ऐड किया है करी लीव्स, और अदरक जो लहसुन है हमने क्रश किया हुआ वो भी डाल देना है, और अच्छी तरह से इसे सोते करके लेना है। और इसमें एक स्पेशल एक चीज़ जो है वो है बड़ी सौंफ, जो देता है ना सौंफ, वो डालेंगे, बड़ी सौंफ बोलते हैं ना, वो भी हम डाल देंगे। देखिए मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है, तो इस पर गरम मसाला और कुछ नहीं डालेंगे, यही जो है बड़ी सौंफ वो भी डाले हुई है। अभी एग को देखिए उसका छिलका निकाल रहे हैं, और अभी हम इस पर डाल दिया है प्याज, तो इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जल्दी से वो सॉफ्ट बनने के लिए हम इस पर 1 चम्मच नमक भी ऐड कर लेंगे, और अच्छी तरह से इसे सोते करके ले लेंगे। देखिए अभी प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। तो अभी हम मसाला निकाल कर ले लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, और 2 टेबलस्पून चिली पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी लिया है, और इस मसाला को भी हमें रोस्ट करना है, इसका जो कच्चा जो स्मेल है वो जाना है। तो देखिए प्याज भी अच्छे से भून चुका है, और साइड पर हम एक तवा रख देंगे, उस पर हम जो ड्राई मसाला जो है उसको हल्का सा गर्म करके ले लेंगे। तो एक तवा मैंने रख दिया है यहाँ पर, तो मसाला थोड़ा सा हल्का सा उसका कच्चा स्मेल जाने तक उसे रोस्ट करेंगे तो टेस्टी बनता है। इसके लिए हम इस मसाला को गर्म करते हैं, और एकदम मीडियम फ्लेम पर रखना है, आप हाई फ्लेम पर ना रखिएगा, मसाला जल जाएंगे, इसके लिए मीडियम फ्लेम पर रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम। तो देखिए इस तरह से हमारा मसाला भी भून चुका है, उसका कच्चा स्मेल पूरा गया है। अभी हम इस प्याज पर ऐड करेंगे टमाटो, 2 टमाटो लिया है मीडियम साइज़ का, वो भी लंबे पीस में काट लिया था, उसे भी इस पर ऐड कर लेंगे, अच्छे से इसे भी सोते करके ले लेंगे। और स्वादानुसार नमक भी ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो फटाफट से बन जाते हैं हमारी जो एग रोस्ट रेसिपी। तो इस पर हम मसाला भी ऐड किया है जो गरम किया हुआ था, उसे भी अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स करना है। अभी हम इस पर ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी, आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे पहले, और इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और इसे अच्छे से उबाल आने के बाद हम इस पर ऐड करेंगे एग, ऐड करेंगे इस पर। तो देखिए इस तरह से एग को अरेंज करना है, इस तरह से एकदम से मिक्स नहीं करना है, इस तरह से हल्का सा अब हिलाइएगा, और एग को नीचे नीचे इस तरह से रखिएगा। तो मेरी जो जीजा जी और उनके बेटे वो दोनों सब मिलकर एक साथ बना रहे हैं एग की रेसिपी, तो बहुत ही यम्मी है। हमारी जो एग रोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है, देखा ना। तो अभी हम सब फ्रेंड्स को उनको जो है बिठाया है डाइनिंग टेबल पर, तो वो सब अभी आएंगे। तो हमने जो पराठा जो है ना, केरला पराठा,
वो लिया है, उसके साथ एग रोस्ट और चिकन रोस्ट भी रखा है। तो देखिए पराठा के साथ एग रोस्ट बहुत ही यम्मी रहता है। तो आप चाहे तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रहा इनके जो दोस्त हैं, वो मैं बेंगलोर से वगैरह बहुत सारे फ्रेंड्स उनके आए थे, तो उनके लिए स्पेशली बनाया था। तो दोस्तों कैसा लगा रेसिपी? अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए नए रेसिपीज लेकर। और दोस्तों मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, वो जो मैं केरला गई थी एक शादी के लिए, तो वो वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।